बीसीसीआई कुछ भी करे, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तुरंत ही दर्द हो जाता है, क्योंकि उनको हर बार इस बात का एहसास होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की औकात क्या है। पाकिस्तान कोई क्रिकेटर आना नहीं चाहता, और अगर आ भी जाए तो एक दो दिन से ज़्यादा रुकना नहीं चाहता। सौरव गांगुली जी ने हाल ही में वनडे सुपर सीरीज़ का आइडिया दिया, इंग्लैंड ने इस पर मोहर लगा दी, ऑस्ट्रेलिया की भी रजामंदी है, यानी कि बिग थ्री की रजामंदी है, और एक चौथी टीम होगी जो रैंक में इन तीनों के अलावा टॉप फोर में सबसे ऊपर होगी। उस चौथी टीम के साथ 2021 में वनडे सुपर सीरीज पहली बार खेली जाएगी। ये सुपर सीरीज इंडिया में होगी, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी राशिद लतीफ़ को ऐसा लगता है कि ये फ्लॉप हो जाएगी। राशिद लतीफ़ का कहना है कि सौरव गांगुली का ये आइडिया बुरी तरह फ्लॉप होगा, कोई भी वनडे सुपर सीरीज जिसमें पाकिस्तान नहीं होगी वो उसका फ्लॉप होना तय है। उनका कहना है कि ये बिग थ्री की तरह फ्लॉप होगी, जैसे बिग थ्री का आइडिया ICC में फेल हो चुका है। जाहिर सी बात है, अगर चार देशों की वनडे सुपर सीरीज करनी है उसके लिए ICC की अनुमति चाहिए होगी। जब बिग थ्री राजी हो जाएंगे तो ICC की हैसियत ही नहीं कि ICC बिग थ्री से मना कर सके। वनडे सुपर सीरीज होगी, पहली बार इंडिया में होगी, और इंडिया में कोई टूर्नामेंट मल्टीनेशन हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और चौथी टीम भी काफ़ी टक्कर की हो, वो टूर्नामेंट इंडिया में फेल हो जाए, इस बात की कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन राशिद लतीफ़ अपने अलग फितूर में है। अभी राशिद लतीफ़ ने इंडिया को पाकिस्तान समझा हुआ है। पाकिस्तान में अभी इतने 10 सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई थी। पहला टेस्ट रावलपिंडी में हो रहा था, रावलपिंडी में मैदान खाली पड़ा था, स्टेडियम, लोग मैच देखने नहीं आए। चलिए वहाँ तो बारिश थी, समझ में आता है लोग बारिश की वजह से देखने नहीं आए। कराची टेस्ट में 5 मैचों में अगर 5 मैचों की खाली सीटें जोड़े तो 12,000 सीटें खाली रहीं 5 दिन में मिला के, जो कि हर दिन औसत लगभग 6,000 सीटों का है, माफ़ कीजिए, जो कि हर दिन औसत लगभग 225,000 सीटें हर दिन खाली थी। और यह चीज़ दिखाती है कि भैया पाकिस्तान के लोग खुद ही अपनी टेस्ट क्रिकेट देखना पसंद नहीं करते, और वो भारतीय क्रिकेट फैन से पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। ये दिखाता है उनकी बौखलाहट, उन वो क्या है हकीकत में, पाकिस्तान की बिसात क्या है पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान BCCI के आगे चूज़ा है, लेकिन उस चूज़े की इतनी हिम्मत होती है कि बस उसको बोलने से पता है। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने इंडिया की सिक्योरिटी पर कमेंट किया था, और उसके बाद उनकी जो दुर्गति हुई, BCCI ने कह दिया कि एहसान मनी जो PCB के चेयरमैन है वो इंडिया की सिक्योरिटी में बात कर रहे हैं, और वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहते, खुद लंदन में रहते। पहले वो खुद तो पाकिस्तान में रहने लगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।